गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। हाँ जी, आज से मेरा ट्रैवल वापस से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। एक्चुअली मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, 3 या 4 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। इस बार का जो मेरा ब्लॉग बनाने का कॉन्सेप्ट रहेगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मतलब इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा ब्लॉग टाइप का नहीं रखूंगा, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप का ब्लॉग रखूंगा। लाइक आप कैसे जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो वहाँ पे, उस टाइप का मेरा प्लान है वैसा रखने का। अगर वैसा सब कुछ मैं दिखा पाया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। भाई तो मैं बता दूं, मैं जा रहा हूँ अंडमान। वहाँ जाने का मेरा बहुत दिनों से प्लान था और इस बार अफसोस पापा ही था, इस बार भी ज्वाइन नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, अभी जस्ट उनके पापा हॉस्पिटल से घर आए और अभी कहीं जाना उनका ठीक नहीं है। 1-2 सप्ताह तो उनको पास में रहना ही होगा, फिर उसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट प्लान वहाँ भी है। ऑलरेडी टिकट भी बुक हो चुका है हमारा। फिलहाल मैं अभी यहाँ से एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कौन सा फ्लाइट मैंने बुक करा है अंडमान के लिए, आप कहाँ से बुक कर सकते हो, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं एयरपोर्ट एक बार पहुंच जाऊँ। फिलहाल अभी देख लो, ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, सुबह सुबह कुछ यही रोड के नजारे। और वैसे मेरा सुबह लगभग 8 बजे का फ्लाइट है, लेकिन लास्ट कॉल जो है 7:30 बजे का है। अभी वैसे सुबह का 5:30 बज रहा है। और जब भी मेरा कभी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट रहता है तो हमेशा मैं भैया से ही कॉन्टेक्ट करता हूँ, रोहित भैया है इनका नाम, तो इन्हीं को बोल देता हूँ मैं, तो आ जाते हैं भैया एकदम सुबह सुबह ही। मतलब जो टाइम में बोलो भैया एकदम टाइम पे ही आ जाता है अपना, तो ये चीज काफी अच्छा रहता है। कैब वैब का झंझट नहीं रहता है कि बुक करो, ये करो, वो करो। एक काम करते हैं, एयरपोर्ट पहुंच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं, रास्ता में अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली अभी एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं। अभी मेरे पास जो बोर्डिंग पास है वो और अपना आईडी कार्ड लेकर अभी एंटर करूंगा मैं, फिर बाकी का क्या प्रोसेस है वो अंदर जाके बताते हैं। अभी जस्ट मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूं, जा रहा हूं सबसे पहले काउंटर नंबर ए पे। एक्चुअली अब जैसे एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो ना, तो आपको दिख जाएगा आपका जो एयरलाइन का काउंटर है वो कहाँ पे है। जैसे ABC का ऑप्शन होता है और अलग अलग जगह अलग अलग ऑप्शन भी रह सकता है, वही अभी मैं काउंटर नंबर ए के सामने पहुंच गया हूं। सबसे पहले जाके अपना लगेज वगैरह चेक इन करवा लेता हूं मैं। सारा चेक इन वगैरह प्रोसेस हो गया है। और अगर अभी आप अंडमान जा रहे हो, आपका जो डबल वैक्सीनेटेड रिपोर्ट है वो मस्ट है। वो मतलब ऐसे तो मतलब हर जगह के लिए मस्ट है, लेकिन कहीं मांगते नहीं है, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे मांग रहे थे, वो बोल रहे थे दिखाने के लिए। अगर जिसका नहीं है डबल वैक्सीनेटेड रिपोर्ट, उनको वही RT-PCR करवाना पड़ेगा। फिर फिलहाल अभी एयरपोर्ट के अंदर तो आ गए हैं और चाय पीने का बहुत मन है, कहीं चाय भी अच्छे से पीना नहीं हुआ है। लास्ट वो घर में कॉफी पी के ही निकला हूँ मैं, देखते हैं कहाँ चाय मिलता है, चाय पीते हैं पहले। हाँ जी, तो सारा चेक इन वगैरह प्रोसेस होने के बाद अभी मैं आ गया हूँ अपने गेट पे। और अभी जस्ट मैंने ये कैपेचिनो एक ले लिया है, वैसे मैं लेता नहीं लेकिन अभी काफी टाइम है तो बैठे बैठे करता भी क्या, इसलिए कॉफी ले लिया मैंने। देख लो बाहर के कुछ नज़ारे, सामने में कौन सा फ्लाइट है, ये इंडिगो है। और भाई भाई मेरा जो फ्लाइट है वो गो फर्स्ट है, शायद मेरा ये फर्स्ट टाइम है गो फर्स्ट में। गो एयर में तो मैंने किया है, गो फर्स्ट शायद मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे पहले एक बार फ्लाइट में बैठ जाए। वैसे मेरा जो है गेट नंबर 15 है, मुझे ये पीना था इसलिए मैं अभी दूसरे गेट में हूँ। पीते हैं अपना ये कैपेचिनो। और बाहर का नज़ारा कुछ इन्जॉय करने के लिए तो है नहीं, फिर भी आप लोग एक काम करो, टाइम लैप्स इन्जॉय करो। कि आप लोगों को मेरा जो टाइम लैप्स है वो अच्छा लगा हो, तो एक काम करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट पे जो कि गेट नंबर 15 है मेरा। पता नहीं गेट वगैरह चेंज होते रहता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो वही फिलहाल अभी अपने गेट पे जाते हैं। और ये कौन सा गया अभी, इंडिगो, जो इंडिगो अभी यहाँ पे लगा था ना, देख लो अभी टेक ऑफ भी कर गया ये। फाइनली मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। और ये देख लो, ये मेरा फ्लाइट है गो फर्स्ट। ये मेरे को लगता है शायद गो एयर का ही है क्या, गो फर्स्ट शायद मेरे को लगता है गो एयर का ही है, अगर किसी को आइडिया हो तो बताना जरूर। पूरा फ्लाइट पैक है। फाइनली मैं अपने सीट पे बैठ गया हूँ, पूरा जो फ्लाइट है ना खतरनाक वाला पैक्ड था एकदम। और जैसा कि मैंने बताया, टूरिस्ट मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, वो जो काम करने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे। वैसे भी हमारे कोलकाता से बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, काम करने वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। और बाहर का ये नज़ारा देख लो, विंडो क्लीन मिलने का खुशी तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक ब्लॉगर ही समझ सकते हैं। वैसे तो मैं गो फर्स्ट में फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ और एक चीज मानना पड़ेगा, फ्लाइट काफी क्लीन है। और एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका लेग स्पेस मतलब काफी अच्छा स्पेस है, जबकि ये ना कोई एक्सेल सीट है, नॉर्मल सीट है, तो इतना अच्छा है, ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी सबसे बढ़िया बात, विंडो देख लो कितना क्लीन है। वैसे मुझे अभी थोड़ा भूख लग रहा था, तो कुछ इस टाइप का मुझे इनका मेन्यू दिख रहा है। देखो भाई, मतलब अगर इस टाइप का खाना होगा तो क्या ही कहना है, लेकिन इस टाइप का होगा नहीं। अच्छा वही है, मॉम का जो होता है ना रेडी टू ईट मील, सब उसी टाइप का ही खाना सब है।
ये मजा नहीं आता खाकर। वेज बिरयानी का भी ऑप्शन है लेकिन वही फ्रोजन वाला बिरयानी होगा, उसको गर्म करके देंगे। और यहाँ पे इसका पूरा डिटेल दिया है। बाय द वे हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ये एयरबस A320 27neo है। पैसेंजर कैपेसिटी इसका 186 है क्या, तो बाकी देख लो, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और मेरे ठीक सामने देखो वहाँ पे एमिरेट्स भी है, भाई मेरा ड्रीम है इसमें ट्रैवल करना। टेक ऑफ कर चुका हूँ, पहले कुछ खाने का आता है तो खाना ऑर्डर करते हैं कुछ, उसके बाद एडिटिंग बहुत सारा बचा हुआ है वो भी कंप्लीट करते हैं। अभी देखो मुझे लग रहा है ये जो मेरा फ्लाइट है ना सुंदरबन के ऊपर से जा रहा है, तो देख लो सुंदरबन तो मैं मतलब ज्यादा घूम कर नहीं दिखा पाया। सुंदरबन का एरियल व्यू देख लो, फर्स्ट टाइम मैंने बे ऑफ बंगाल को इतने ऊपर से देखा है। तो यहीं पे देखो हमारा जो हुगली रिवर है यहीं पे आके बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो मेरा वीडियो का एडिटिंग में कर रहा था, अभी 9:30 बजने वाला है और वैसे भी घर से ब्रेकफास्ट करके मैं नहीं निकला था, तो देख लो यहाँ पे मैंने पोहा और साथ में कॉफी ले लिया है। तो बस अपना पोहा एंजॉय करूंगा अभी, कॉफी पीऊंगा और साथ ही अपना एडिटिंग भी कंप्लीट करना है। ये 200 रुपए का पोहा साथ में 100 रुपए का कॉफी। ये जो फ्लाइट है ना 10 मिनट पहले जब मैं खा रहा था तब ये 35,000 फीट पे था, बाहर का टेम्परेचर पता है कितना था -43। अभी तो फिलहाल मैं लैंड करने वाला हूँ, आपको दूर में देखो आइलैंड भी दिखना स्टार्ट हो गया है, वो देखो दूर में आइलैंड भी दिख रहा है। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ इतना खूबसूरत नजारा मुझे मालदीव के टाइम में नहीं दिखा, अंडमान वाकई में बहुत खूबसूरत है। अभी तक तो मेरे को एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत लगा है, ये आने वाले 4 दिन में यही रहने वाला हूँ, घूम कर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, वो तो आप वीडियो में पता चलेगा ही अंडमान में क्या क्या मैं देख सकता हूँ। टाइम वैसे हो रहा है 11:10, बाहर मेरा टैक्सी ऑलरेडी आ चुका है, वहीं जा रहा हूँ टैक्सी के पास में, पहले तो अपना लगेज कलेक्ट करना है। अच्छा तो पोर्ट ब्लेयर में लैंड करते ही ये बात पता चला कि पहले आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, मतलब वहाँ भी चेक हो रहा है यहाँ भी चेक हो रहा है, चेक करवाने के लाइन में लगे हुए हैं। और ये ऊपर में देख लो, वैसे फ्लाइट से जैसे ये बाहर आओगे ना तो ऊपर देख लो ये अंडमान एंड निकोबार टूरिज्म, आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना है तो इनसे हेल्प ले सकते हो आप। आईडी दिखाई, आधार कार्ड दिखाई, तो यहाँ का प्रोसेस तो एकदम अलग ही है। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले अपना वैक्सीनेटेड रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अंडमान में, और साथ ही आपको आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लो हाथ में स्टैम्प मार दिया यार वैक्सीनेटेड का, तो ये चीज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। फिलहाल अपना बैगेज क्लेम करते हैं, उसके बाद जाते हैं होटल, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ, हमारे टैक्सी वाले भैया भी आ गए लेने के लिए मुझे। तो ये देख लो ये पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। सबसे पहले मेरा नजर यहाँ के कार के नंबर सब में पड़ रहा है, मोबाइल ही हो, ये मॉडल हमारे वहाँ नहीं है। अभी एयरपोर्ट से निकलते ही मेरा टैक्सी आ गया था, अभी होटल की तरफ जा रहा है। और एक चीज मैंने देखा अंडमान में कि वैक्सीन वगैरह को लेकर कुछ ज्यादा ही मतलब ये है, बहुत ज्यादा चेकिंग चल रहा था, लाइक लाइन लगाओ फिर उसके ऊपर से आप अपना वैक्सीनेटेड रिपोर्ट दिखाओ, मतलब आपका डबल डोज कम्प्लीट होना चाहिए। और साथ ही जब आप बाहर की तरफ निकलोगे ना तब आपका लाइक आईडी वगैरह चेक होगा, उसके बाद ऐसा कुछ स्टैम्प लगेगा आपके हाथ पे। फिलहाल मुझे पता है अंडमान कैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत गोवा वाला भी वाइब्स है, मतलब हल्का हल्का पहाड़ भी दिख रहा है, समंदर और पहाड़ मिक्स है यहाँ पे। वही अपने होटल के तरफ ही जा रहे थे, पूछते हुए जा रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे आज ट्राई कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना है। जब हम लोग एर्नाकुलम से मुनार की तरफ जा रहे थे ना वो वन सिंगल लेन रोड आता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। ये अपने रिजॉर्ट पे पहुंच गया मैं, अभी लग रहा है जंगल के अंदर आ गए एकदम, यही है ना। मेरे होटल के बाहर देखो कितना बड़ा सैंडेलियर लगा हुआ है, भाई साहब इतना बड़ा झूमर मैंने कभी नहीं देखा यार। वैसे होटल देखकर तो काफी बढ़िया लग रहा है, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा कैसा है ये। ये एक बार सोफा देख लो यहाँ का, ओ भाई प्रॉपर्टी देखकर तो काफी बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये एक काम करूंगा, इसका जो टूर है ना नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दूंगा, आज तो बस ट्रैवल पे ही वीडियो था पूरा। पता नहीं ये पूल नहाने के लिए, हाँ सर नहाने के लिए ये पूल। रूम तो वैसे एक नंबर है, इसका टूर मैं बाद में ही दूंगा आप लोगों को। हाँ जी अभी मैं अपने रूम में चेक इन कर चुका हूँ, वैसे मेरा प्लान था इसी वीडियो में रूम टूर देने का, लेकिन मुझे रूम इनका इतना अच्छा लगा ना मैं बोला नहीं इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ही
दिखाऊंगा, थोड़ा अच्छे से बताऊंगा रूम के बारे में भी। और अगर आप अंडमान घूमने का सोच रहे हो तो कहाँ कहाँ मतलब आपको स्टे करना चाहिए। फिलहाल मैं अभी के लिए ये बता दूं कि अगर आप कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर आना चाहते हो तो सबसे इजी वे शायद फ्लाइट ही है। शायद हमारे खिदिरपुर से जाता है सिप, मुझे जहां तक पता है, तो पता नहीं वो सिप कितना टाइम लगाया कितना नहीं, इसलिए फ्लाइट मुझे सबसे इजी वे लगा। थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया लेकिन मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको आना है तो फ्लाइट से ही आओ। कोलकाता से अगर आ रहे हो तो चेन्नई से तो खैर आपको और भी इजी पड़ेगा। बाकी मैंने एक चीज नोटिस किया जब मैं यहाँ से मालदीव गया था, मुझे फ्लाइट से वो नजारा बिल्कुल भी नहीं दिखा था जो नजारा मुझे अंडमान आते टाइम दिखा। अल्टीमेट था यार, मतलब इतना खूबसूरत लगता है ऊपर से, और सुंदरबन का भी एरियल व्यू मैंने देखा तो भाई वो तो और ही कमाल का था। और ये अंडमान का तो व्यू ही अलग था यार, मतलब मन कर रहा था देखते रहूं, इतना खूबसूरत लग रहा था। फिलहाल अभी ये आइडिया लग चुका है कि अंडमान में घूमकर काफी मजा आने वाला है। फिलहाल अगर मैं फ्लाइट टिकट का बात करूं कि मैंने उसको कितने दिन पहले बुक किया था और मुझे कितने का वो टिकट मिला, तो मैं बता दूं मैंने वो टिकट बुक किया था 2 दिन पहले, लेकिन कार्ड में काफी अच्छा ऑफर चल रहा था इसलिए मुझे वो टिकट 6,000 का मिल गया। लेकिन मैं देख रहा था काफी महंगा जा रहा था टिकट, अगर आप 2 या 3 महीने पहले लोगे तो आपको और भी कम में मिल जाएगा, लेकिन मैं 2 दिन पहले टिकट बुक किया था इसलिए मुझे एक टिकट का 6,000-6,500 के आसपास पड़ा। और यहाँ के लिए मैंने पैकेज लिया है, सच बताऊं तो मुझे यहाँ के बारे में उतना आइडिया भी नहीं था इसलिए मैं सोचा कि एक पैकेज मैं ले लेता हूँ। आप मेरे इस अंडमान सीरीज को फॉलो करना, मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी एक काम करता हूँ, ये वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि वहां पे मैं बैक टू बैक स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। वीडियो थोड़ा डिले आता है लेकिन स्टोरी एकदम टाइम पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yeah.